अभी 2 दिन पहले सर्किट यानी अर्शद वारसी का एक ट्वीट आया। ये ट्वीट किसी मूवी के रिलीज या ट्रेलर के बारे में नहीं था, इंटरेस्टिंगली स्टॉक मार्केट के बारे में था। तो उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि जो भी न्यूज में चल रहा है उस पर आप भरोसा मत कीजिए, मुझे और मेरी वाइफ को स्टॉक मार्केट का कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे में हमने किसी से एडवाइस ली थी और शारदा में इन्वेस्ट किया था और उसमें हमारा सारा पैसा डूब गया। अब ऐसे में लोग सवाल में पड़ गए कि ये क्या न्यूज चल रही है, ये शारदा क्या है और ये पैसे डूबने का पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दूं कि ये कोई न्यूज नहीं है, ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक ऑर्डर है जिस पर अर्शद वारसी पर ये आरोप लगा है कि अर्शद वारसी ने स्टॉक मैनिपुलेट करके काफी सारा पैसा कमाया। तो कितना? तो उन्होंने 29 लाख रुपीज कमाया, उनकी वाइफ ने 37 लाख रुपीज कमाया और उनके भाई ने 9 लाख रुपीज कमाया। तो टोटल कुल मिलाकर 70 लाख से ज्यादा पैसा इन्होंने 2 से 3 महीने में स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके कमाया है और इसीलिए उन्हें स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। तो एक और तो अर्शद वारसी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि मेरा तो पूरा पैसा डूब गया। वही सेबी का ये कहना है कि इन्होंने बहुत पैसा छाप लिया और इसीलिए इनको बैन किया गया है क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से स्टॉक को मैनिपुलेट किया है और उससे प्रॉफिट कमाया है। तो ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सेबी ने 2 ऐसी कंपनीज ढूंढी है जिन्होंने स्टॉक मैनिपुलेट करके और पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाया है। और साथ ही सेबी के इस ऑर्डर में 2 ऐसी कंपनीज का नाम आया है जिसमें कुछ लोगों ने यूट्यूब का इस्तेमाल करके स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है। तो उसके बारे में भी आज हम डिटेल में समझेंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे इस स्कीम को एग्जीक्यूट किया गया और कैसे सेबी ने उन लोगों को पकड़ लिया। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पंप एंड डंप स्कीम होती क्या है। उसके लिए हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 साल पीछे जाते हैं और एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम्स आने के बाद उसकी पॉपुलरिटी जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल करके यहाँ से प्रॉफिट कमाया जाए। तो इन्होंने स्क्विड गेम्स नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च। अब इन लोगों ने यह सोचा कि स्क्विड गेम्स ऑलरेडी बहुत पॉपुलर चल रहा है तो ट्रेंड में प्रोबेबिलिटी है कि ये क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज्यादा चल जाए, क्योंकि उस टाइम क्रिप्टो करेंसीज का भी अच्छा खासा माहौल था। तो इन्होंने अपना नाम रिवील किए बिना ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च और साथ ही लोगों को बताया कि जो लोग स्क्विड गेम्स इस क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेंगे उन्हें कुछ वर्चुअल गेम्स खेलने मिलेंगे जो कि स्क्विड गेम्स की तरह ही होंगे और इसमें जो लोग जीतेंगे उन्हें बड़े बड़े प्राइजेस मिलेंगे। अब ये पिच काफी अच्छी थी, अपीलिंग थी, तो यंगस्टर्स ने सोचा कि चलो यहाँ पर गेम खेलते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो कई सारे लोग इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदने लगे। तो इन डेवलपर्स ने क्या किया कि शुरुआत में इसको मार्केट करने से पहले ही बहुत सारी स्क्विड गेम्स की क्रिप्टो करेंसी खुद खरीद ली और उसके बाद इसे धीरे धीरे मार्केट करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और आपको बता दो कि बस 2 हफ्ते में इस क्रिप्टो करेंसी की प्राइस कितनी बड़ी होगी, 100% 200% नहीं, 1,43,00,000%। फिर इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिन लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी को खरीदा था अब उन्हें बेचना चाहते थे तो बेच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उन्हें पता चला कि अगर उसे स्क्विड गेम्स की क्रिप्टो करेंसी को बेचना है तो उसके लिए उन्हें कुछ मार्बल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और ये मार्बल्स उनको कब मिलेंगे, जब वो वहां पर कोई वर्चुअल गेम में प्राइस जीतेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर फिर वर्चुअल गेम खेलते हैं और कोई प्राइस जीत लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई वर्चुअल गेम्स है ही नहीं, अगर वर्चुअल गेम्स है ही नहीं तो मार्बल्स मिलेंगे नहीं और मार्बल्स मिलेंगे नहीं तो क्रिप्टो करेंसी बेच नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी वो उसमें फंस गए और जैसे इसकी प्राइस पीक पर चली गई उसके बाद डेवलपर्स ने सारे अपनी क्रिप्टो करेंसीज बेच डाली और सारा प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरह से कुछ चंद डेवलपर्स ने एक पंप एंड डंप स्कीम चलाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए कमा लिए। तो ये तो हो गए क्रिप्टो की बात, इसी तरह की स्कीम स्टॉक मार्केट में भी चलती है जिसके कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं अब आपको देता हूँ। तो पंप एंड डंप स्कीम की बात करें तो इसमें उन्हीं कंपनीज को इंडिया में टारगेट किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम हो। जनरली ये वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 या 200 करोड़ से कम होता है, क्योंकि अगर 100-150 करोड़ वाली कंपनी है तो उसमें 2-3 करोड़ के भी ट्रेड हो जाए तो शेयर प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है और उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। वही अगर बड़ी कंपनीज है जैसे कि TCS है या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो इसमें मैनिपुलेट करने के लिए आपको बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स लगेंगे। वही यहां पर कुछ करोड़ों से हो जाता तो कुछ को स्क्रिप्ट्स में कुछ लाखों रुपए से भी हो जाता है। ठीक है, अब तो आपको पंप एंड डंप समझ में आ ही गया होगा, जहां पर पहले प्राइसेस को पंप किया जाता है और बाद में हाई प्राइसेस पर शेयर डंप करके वहां से एग्जिट ली जाती है और पैसा कमाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अर्शद वारसी और यूट्यूब के केस की तरफ।
अब हालांकि बात ऐसी है कि जुलाई 2022 के करीब कई सारी एड्स, यूट्यूब एड्स लोगों को आने लगी, जिसमें एक शख्स बिना चेहरा दिखाए ये बता रहा था कि साधना ब्रॉडकास्ट नाम की एक कंपनी है जिसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है यूएस कंपनी से। ये कॉन्ट्रैक्ट 1100 करोड़ रुपए का है और इससे अब कंपनी 4 मूवीज बनाने वाली है। उसमें ये भी बताया गया कि अब तक ये कंपनी सिर्फ टीवी प्रोडक्शन में थी, लेकिन अब मूवी प्रोडक्शन भी हो रहा है और 4 मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट की डील भी डन है। तो ऐसे में आप इस शेयर को खरीद लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो जुलाई 2022 जब से ये वीडियो की एड आने लगी, तब इस कंपनी के शेयर प्राइस 10 रुपए के करीब थे। अब ये जो यूट्यूब वीडियोस है जिसे उन्होंने प्रमोट किया, उससे बराबर एक महीना पहले कंपनी ने बहुत ही अजीब चीज की। जून 2022 में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया। उस टाइम कंपनी के एक शेयर की प्राइस लगभग 100 रुपए चल रही थी, तो कंपनी ने उसे 10 स्टॉक्स में डिवाइड किया 10-10 रुपए के। तो इसके चलते अब एक स्टॉक की प्राइस 10 रुपए हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस हो गई, बिकॉज बहुत सारे जो बिगिनर्स है या नए लोग हैं उन्हें उनको इस जाल में फंसाना था। और जब प्राइस कम रहती है तो लोगों का लालच बढ़ जाता है कि 10 रुपए की शेयर प्राइस से 20 रुपए हो जाएगी तो पैसा डबल होगा, लेकिन 100 का 200 होने में शायद टाइम लग सकता है, कुछ इसी तरह की उनकी सोच होती है। तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद प्राइस ऑलरेडी बहुत कम हो गई थी। उसके बाद फिर द एडवाइजर और मनी वाइजर इन यूट्यूब चैनल्स के जरिए कई सारी एड्स चलाई गई। खास बात यह थी कि जो भी एड्स चलाई गई और जो भी वीडियोज इन चैनल्स पर थे वो तो खैर अभी तो लाइव नहीं है, लेकिन जब थे आप में से भी कई सारे लोगों ने शायद इन एड्स को देखा होगा। और इन दोनों भी यूट्यूब चैनल्स की खास बात यह थी कि दोनों में भी जो कमेंट सेक्शन था वो ऑफ था, यानी कोई निगेटिव बात नहीं कर सकता या फिर कोई भी इन्हें एक्सपोज नहीं कर सकता। तो फिलहाल अगर हम साधना ब्रॉडकास्ट देखें तो उस टाइम उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो भी 100 करोड़ के करीब था। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार कम होते जा रहा है, और वहीं पर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 1-2 सालों में तो लॉस प्रॉफिट ही चल रहा है, और उससे पहले भी 1 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था, कभी उससे ज्यादा नहीं था। तो आज से 5-6-7 साल पहले क्या होता था कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने तो SMS वगैरह भेजने पड़ते थे, जैसे कि साई बाबा के केस में हमने देखा। लेकिन अब इन लोगों ने सोचा कि जमाना बदल गया है तो हमें भी बदलना पड़ेगा और थोड़ा ऐसा तरीका यूज करना पड़ेगा जिसे हम स्केल कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने यूट्यूब एड्स की मदद से लगभग 1 करोड़ रुपए की यूट्यूब एड्स चलाई इस तरह की, और कई सारे लोग फिर इसमें फंसने लगे। फिर जो शेयर प्राइस जुलाई में 10-11 रुपए के आसपास थी वो अभी पंप होकर ये लेके गए 30 रुपए के आसपास, और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने अगले महीने में यानी अगस्त और सितंबर में अपने स्टॉक्स को ऑफलोड करना शुरू किया, यानी बेचना शुरू किया। और उसके बाद 1-2 महीना वेट करने के बाद इन्वेस्टर्स को पता चला कि कोई US कंपनी नहीं आई है, कोई मूवी का यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट होने लगी और ये स्टॉक प्राइस अब 5 रुपए के करीब आ चुके हैं। तो फिर सवाल आता है कि ये पूरा मामला बाहर कैसे आया, और दूसरी चीज इसमें अरशद वारसी का क्या लेना देना है। तो लेना देना है उसकी भी बात करते हैं। हुआ ये कि बहुत ज्यादा मात्रा में एड्स दिखने लगी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सेबी के पास कंप्लेंट की। सेबी की एक वेबसाइट है scores.sebi.gov.in, आपको भी किसी कंपनी रिलेटेड कंप्लेंट करनी है तो आप यहां पर जाकर सेबी को कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद सेबी ने शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो उन्हें काफी सारी चीजें महत्वपूर्ण सामने आई, और फिर इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है तेजी से बढ़ाई, और कुछ ही दिन पहले उसका एक रिपोर्ट भी उन्होंने सामने लाया। तो सेबी का ये मानना है कि साधना का ये जो पूरा मामला है इसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी शामिल हुए पाए गए। और जहां तक अरशद वारसी की बात है, तो अरशद वारसी ने जो भी साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर पंप करने से पहले खरीद लिए थे उन्हें 3 अगस्त 2022 को बेच दिया है। कितने शेयर्स? 3,04,366 शेयर्स। और उनकी वाइफ ने भी 5 अगस्त को अपने शेयर्स बेच दिए। इसके बाद अरशद वारसी की वाइफ ने 2 सितंबर 2022 को गौरव गुप्ता से कुछ शेयर्स खरीद लिए, और अरशद वारसी ने भी उसी दिन गौरव गुप्ता से 2,00,000 शेयर्स खरीद लिए। अभी जो गौरव गुप्ता है ये साधना के प्रमोटर्स हैं, और इस पूरे मैनिपुलेशन से गौरव गुप्ता ने 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अरशद वारसी, उनके भाई और उनकी वाइफ ने मिलकर करीब 70,00,000 का प्रॉफिट कमाया है, ये कहता है सेबी का डेटा उनकी रिपोर्ट में। और एक चीज आपको बता दूं कि इस पंप एंड डंप से पहले, यानी अगर 30 जून 2022 का डेटा देखें, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो इस स्टॉक में थे जिनके इन्वेस्टमेंट 2,00,000 रुपए से कम थी, यानी बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, तो वो सिर्फ 2,167 थे, और इनकी संख्या सितंबर यानी अगले 3 महीनों में बढ़कर 55,343 हुई। यानी इन छोटे इन्वेस्टर्स के पास जून 2022 में 3.5% स्टेक था, इनके पास सितंबर 2022 तक कंपनी का 25% स्टेक आ गया। अब तो खैर सेबी ने इन पर एक्शन लेना शुरू किया है, कुछ लोगों के अकाउंट भी फ्रीज किए गए, इनको बोला गया कि जो भी आपका प्रॉफिट आया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है कि इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का क्या, जिन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया और अपना सारा पैसा गवा दिया, तो इन्हें तो इनका पैसा नहीं मिलने वाला। तो सीधी बात अगर करूं तो साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट, जो कि और एक कंपनी है, वहां पर भी इसी तरह के यूट्यूब वीडियोस प्रमोट करके स्टॉक प्राइस को पंप किया गया। वहां पर भी मोडस ऑपरेंडी सेम ही है, सेम ही तरह से चीजें की गई। बट अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का क्या जिन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया।
तो इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, इन्होंने किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं कमाया है, इन्होंने यही छोटे छोटे लोगों से, गरीबों से, जो भी है, 2000 किसी से, 5000 किसी के चले गए, किसी के 10000 चले गए, ऐसे करके छोटे छोटे लोगों को ढाप लिया है और बहुत सारा पैसा यहाँ पर कमा लिया है। और हद तो तब होती है जब कोई कहता है कि मुझे तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, किसी के एडवाइस ले और मेरा पूरा पैसा डूब गया, जबकि रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो पेन स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहना है। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये अलग बात है, लेकिन इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। ऐसी कई सारी मैं कंपनीज आपको दिखा सकता हूँ जिनके रेवेन्यू जीरो है, इनका प्रॉफिट जीरो है, लेकिन उनके शेयर प्राइस 1000-2000% से भी बढ़ जाती है जस्ट पंप एंड डंप स्कीम की मदद से। तो यार देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना ही आसान होता और अगर बस किसी ने टिप दे दी और उसके बेसिस पर आप पैसा कमा पाते तो हर कोई काम धंधा छोड़ के यही कर लेता, क्योंकि इजी मनी है, आसानी से मिल जाता है। तो इस दुनिया में देखिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, वो ऐसे इजीली कभी नहीं मिलता है। आपकी पूरी मेहनत उसमें लगती है, लगन लगती है, आपकी पैशन लगती है, तब जाके कुछ चीज़ें निकल कर आती है, और इसमें टाइम लगता है, इसमें कई सारे फेलियर्स आपको देखने मिलते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि टिप्स के बेसिस पर इस तरह की ट्रेडिंग मत कीजिए। आज इन्होंने फंसाया है, कल कोई और फंसाएगा, मीडियम अलग होगा लेकिन टेक्निक सेम ही रहेगी, और ये सालों से चलता आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। अलग अलग टेक्निक्स आएगी, अलग अलग लोग पकड़े जाएंगे, बट चीज़ें वही चल रही है जो पहले चलती थी। तो इसलिए अगर इससे बचना है तो एक ही है कि आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, खुद से स्टॉक पिक करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं आता है या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले दो चीज़ें जरूर समझ लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है और वैल्यूएशन कैसे निकालना है। फ्री में हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ वीडियोस बनाए हैं, उन सबके लिंक्स में दे देता हूँ आपको। इससे भी और आपको आगे जाना है तो हमारे कुछ लाइव सेशंस भी चलते रहते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फाइनेंस लब्बा प्रसाद में ज्वाइन करके। वहां पर भी कुछ ज्यादा फीस बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर 6500 के जो कोर्सेस है, जो बहुत ही प्रीमियम कोर्सेस है, एनिमेटेड कोर्सेस है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ये सारी चीजें इस तरह से सिखाई गई है कि आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनाया जाए, ताकि किसी पर भी डिपेंड रहने की आपको जरूरत ना पड़े और इस तरह के स्कैम्स और टिप्स में भरोसा करने की तो जरूरत ही ना पड़े। धंधे और वैल्यूएशन को समझने के लिए आप मेरी एक फेवरेट बुक है जो धंधो इन्वेस्टर, वो भी पढ़ सकते हैं, जिसमें भी धंधे को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, वैल्यूएशन के बारे में बहुत अच्छी बातें की गई है। तो इस तरह की बुक्स को पढ़कर भी आप काफी अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि इन चीजों में जब 1-1 करोड़ का इनका प्रॉफिट नहीं है और 500 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका ही मतलब है कि पीई 500 का चल रहा है। ऐसे डल और फेल कंपनीज को अगर आप इस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो तो आपको कभी ना कभी तो डूबना ही है, और इसीलिए इन सारी चीजों को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। कुछ एक दो आर्टिकल के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो कि सफल निवेशक, जो कि विशाल खंडेलवाल की वेबसाइट है, वहां पर दिए गए हैं, जो भी आपको काफी कुछ हेल्प करेंगे इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए। तो सीखने पर फोकस कीजिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए, रादर देन टिप्स पर भरोसा करके इन्वेस्ट करने में। और जब भी कोई इस तरह के वीडियोस कमेंट सेक्शन ऑफ करके बताता है और इस तरह की चीजों के ऐड करने की किसी को जरूरत पड़ रही है, उसका ही मतलब है कि उसका सिंपल सा मोटिव है पैसा कमाना। अगर वो डायरेक्टली आपसे नहीं ले रहा है पैसा, तो कहीं ना कहीं और से वो पैसा ले लेगा, ये चीज समझने की सबको जरूरत है। तो जो भी चीज है उसको आप इस तरह से समझे कि कोई भी पर्सन अगर फ्री में कुछ दे रहा है और अनजान लोगों को दे रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली मॉनेटरी बेनिफिट्स होता ही है। हम जैसे वीडियोस डालते हैं तो हमें एड से पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप से मिलता है, कोर्सेज से पैसा मिलता है, लेकिन वो लोग हैं जो एड्स चला रहे और पैसा भी नहीं मांग रहे, वो तो कहीं ना कहीं से पैसा निकालेंगे, तो वो कहाँ से निकालेंगे, इस तरह से प्राइस मैनिपुलेट करके। तो इन सारी चीज़ों को जरूर समझिए और हर एक चीज़ को क्वेश्चन कीजिए, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत, क्वेश्चन इट।